नमस्कार। लॉकडाउन का समय चल रहा है और सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। ये कोरोना महामारी है, इससे बचकर रहना चाहिए। हमें सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए और कोरोना योद्धाओं का आदर करना चाहिए। वो अपनी जान पर खेल कर, जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें कोई तकलीफ़ हो जाती है, जैसे खांसी, जुकाम या दमे की शिकायत हो जाती है। हमारे घर में बुज़ुर्गों को कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है, उसके लिए हमें थोड़े घरेलू नुस्खे भी आजमाने चाहिए। ये हमारे पास जायफल हैं। जायफल बहुत लाभदायक हैं। इनको थोड़ा घिस करके, पीस करके, इनका थोड़ा पानी में मिला करके एक जायफल को हम छाती पे लेप कर सकते हैं और खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी मात्रा में एक चुटकी जायफल और एक चम्मच शहद में मिला करके इसको हम चाट करके खाएं और ऊपर से गुनगुना पानी पिएं। इससे हमें बहुत लाभ होगा। खांसी में, जुखाम से, हार्ट ब्लॉकेज में बहुत आराम करेगा। ये घरेलू नुस्खा है, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये आप जायफल पीस करके, एक जायफल पीस करके उसमें से बिल्कुल कुछ एक चुटकी शहद में मिला करके खा सकते हैं। ये आपको खांसी में, जुखाम में, सर्दी में फ़ायदा करेगा। और जो छोटे बच्चे हैं उनके छाती पर लेप कर सकते हैं जायफल का, उससे भी बच्चे को राहत मिलेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं और सरकार के नियमों का पालन करें। लॉकडाउन में रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और गर्म पानी सुबह सुबह खाली पेट पिएं। और आप अपनी सेहत का, अपने बच्चों का और अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग में रहिए। हम आगे भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।